तो भाई लोग बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, एक और वीडियो वो भी बिंदास काव्या के ऊपर। मैं ऑलरेडी दो वीडियोस बना चुका हूँ इसके ऊपर, फिर भी भाई तुम लोग कमेंट पे बोल रहे हो भाई बिंदास काव्या के ऊपर एक और वीडियो बना भाई, पार्ट थ्री भाई बहुत सारे रिक्वेस्ट है। मतलब भाई और कितने वीडियोस बनाओ भाई, ऑलरेडी दो वीडियोस बना चुका हूँ फिर भी तुम लोग बोल रहे हो। तो भाई मैंने सोचा क्यों ना एक और वीडियो बनाया जाए इसके ऊपर, और भाई ये आखिरी वीडियो है, इसके बाद ये मत कहना कि भाई एक और वीडियो बना भाई, पार्ट फोर नहीं बनाने वाला हूँ भाई लोग, प्लीज समझा करो। तो भाई लोग मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले तुम लोगों को एक वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये AKM का हेडशॉट लगेगा। तो एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सब बात करने जा रहे हैं डिंचक पूजा की छोटी बहन के बारे में। अरे भाई उम्र में छोटी है पर कांड बहुत बड़ी करती है, मतलब डिंचक पूजा को भी इसने पीछे छोड़ दिया। मुझे पता है भाई तुम में से बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई छोटी है ये बच्ची है, तो मैं उनको ये बता देता हूँ कि भाई लोग जिस उम्र में हम लोग शाका लगा बुम बुम हीरो पावर रेंजर्स SPD RPD यू कैन नो देखते थे, उस उम्र में भाई ये लड़की क्या कर रही है, मतलब यूट्यूब पे वीडियोस डालकर टाइटल्स कुछ ऐसे देते हैं न्यूड बीच ऑफ गोवा, और साथ में चिपका देती है रेली न्यूट हंस देले। और भाई अगली वीडियो में इसने टाइटल दिया है ओ माय गॉस्ट गर्ल रोमिंग अलाउन इन जंगल ब्लॉक, और एक वीडियो में इसने टाइटल दिया है कमीनी लड़कियां, मतलब भाई लड़कियों को भी नहीं छोड़ा इसने। हंस देले। तो भाई लोग वीडियोस पे अच्छे अच्छे टाइटल्स देना तो कोई इस लड़की से सीखे। तो तुम लोगों को पता ही होगा कि ये डायनामो की बहुत बड़ी फैन है, और मैं भी खुद डायनामो की बहुत बड़ी फैन हूँ, और इसकी वजह से आज डायनामो को बहुत सारे लोग हेट करते हैं, क्योंकि भाई इसने डायनामो को श्राउड के साथ कंपेयर कर लिया था बिना ये जाने कि श्राउड कौन है। और डायनामो और श्राउड को कंपेयर मत करो, क्या पता श्राउड पट से हेडशॉट का शिकार हो जाए। और वहाँ पर डायनामो खुद ये मानता है कि उसने श्राउड से गेम खेलना सीखा है। बहुत लोग कमेंट करते हैं गॉड ऑफ पबजी या नॉर्मल कहे कि यार ये बंदा इस लेवल में इस गेम में सबका एक तरीके से सबके ऊपर रहता है, तो वो श्राउड रहेगा बिकॉज उसी से हमने गेम खेलना सीखा है। इनफैक्ट मेरी जितनी भी टेक्निक्स होती है मोस्ट ऑफ ऑल मैं उसे सीखता हूँ। फिर भी भाई कुछ लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि भाई क्या बताओ तुम खुद ही देख लो। केशिदित भाई ने कमेंट किया है अबे गधा डायनामो गॉड है तू गधा, पबजी ला नूब तू गधा। और यहाँ पर जयदेव भाई ने कमेंट किया है ब्रो डायनामो के बारे में कुछ भी मत बोलना, इज ए गॉड ऑफ पबजी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? हंस दे ले। तो बिंदास काव्या ने एक रिसेंट वीडियो अपलोड किया है बिंदास काव्या इज नॉट हैकर विद प्रूफ, और भाई इस वीडियो के स्टडिंग में हम लोग देख सकते हैं कैमरा एंगल कुछ और है, हमें कीबोर्ड भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भाई गेम प्ले शुरू होने के बाद ही कैमरा एंगल भी चेंज हो जाता है और हमें कीबोर्ड भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो भाई लोग जो पबजी खेलते हैं उनको पता चल ही जाएगा कि ये पुरानी वीडियो के ऊपर रिएक्शन दे रही है बस। अरे भैया कहाँ जा रहे हो अकेले, मर गया सारे मिल के हमको पागल बना रहे। रोस्टिंग कॉमेडी के लिए है, आप उसमें गाली गलौची भर के रोस्टिंग का नाम तो मत खराब करो। तो जो लोग मेरे हर एक वीडियोस देखते हैं उनको पता ही होगा मैं एक भी वीडियो पे गालियां नहीं देता हूँ, तो ये बिल्कुल यूजलेस पॉइंट है। और अगर तुम डायनामो को श्राउड से कंपेयर करोगे तो लोग गालियां तो देंगे ही ना। और कुछ दिन पहले इसने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें सैड बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के सबको इमोशनल कर दिया था, और उस वीडियो में लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया है कि भाई उसने कमेंट बॉक्स ही डिसेबल कर दिया है। ये बात तो आप मानते होंगे कि दुनिया में ऐसी कोई गाली नहीं बनी जिससे लड़कों को तकलीफ हो सके, वो तो ऐसे उन्हें हवा में उड़ा देते हैं। तो भाइयों मैं पहले बता देता हूँ यहाँ पर पिघलना नहीं है, क्योंकि ये सैड बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के सिंपैथी ले रही है, और एक लड़की के लिए छोटी सी छोटी गाली भी बहुत बड़ी होती है और उसका इफेक्ट रियल लाइफ पे पड़ता है, इस बात पे थोड़ा सा सोच के देखो। और अगर सच बोलूं तो मैंने बहुत ज्यादा सोचा, और सोचने के बाद इसके कुछ वीडियोस देखा, और वहाँ पे जाके मैंने देखा ये अपनी वीडियो में खुद ही गालियाँ दे रही है, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है भाई तुम खुद ही देख लो। अगर आपकी जी में डी है तो लगाओ कैमरा सामने। और भाई अब ये मत कहना कि ये जी में डी का मतलब क्या है, मुझे नहीं पता भाई ये सब। अगर आपकी जी में डी है तो, और ये गाली देने के बाद भी लोगों के सिंपैथी पाने के लिए सैड बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के वीडियो बनाती है, वो भी ऐसे ऐसे डायलॉग के साथ। और एक लड़की के लिए छोटी सी छोटी गाली भी बहुत बड़ी होती है। हंस दे ले।
और वही से कहते हैं सिंपति लेने की निंजा टेक्निक। और ये सिंपति लेने के लिए ना भाई तुम्हें इमोशनल एक बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए और वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन करना पड़ेगा बस। जिंदगी में मैं बहुत ज्यादा अकेला हूँ और मुझे कोई प्यार नहीं करता, और ऊपर से ये टिकटॉक भी बैन हो चुकी है, अब मेरा क्या होगा, और ये हाथ भी काम नहीं कर रहा। अरे छोटू भाई बैकग्राउंड म्यूजिक डाल प्लीज, और वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन कर। कोई प्यार नहीं करता है और बहुत ज्यादा अकेला हूँ, और ऊपर से ये टिकटॉक भी बैन हो चुकी है तो समझ सकते हो भाई, और ये हाथ से भी काम नहीं चल रहा है आजकल। तो भाई लोग ये वीडियो में इतना ही, और अगर तुम्हें गेमिंग पर इंटरेस्ट है तो गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर सपोर्ट करना है तो कर देना, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना। कोई बातचीत करना हो या टॉपिक सजेस्ट करना हो तो जाओ जाके इंस्टाग्राम पे अभी के अभी ऐड कर लो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे इसको सिखाओ, ओवर एक्टिंग करता है मारने से पहले।